खेल की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक है और इस बार पेरिस में ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, इस बार ओलंपिक में एक के बाद एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। पहले मर्द की महिला से बॉक्सिंग फाइट ने सभी को किया हैरान और फिर अब एक और ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पुरुष खिलाड़ी ने मेंस टीम के साथ मिलकर मेडल जीता, फिर उसके बाद महिला टीम के साथ मेडल को अपने नाम किया। ग्रेट ब्रिटेन के रोइंग एथलीट हेनरी फील्डमैन का नाम ओलंपिक इतिहास में दर्ज हो गया है। हेनरी फील्डमैन दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों इवेंट में मेडल जीतने का कारनामा किया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन की महिला रोइंग टीम के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की टीम के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बता दें, हेनरी फील्डमैन के चौंकाने वाले कारनामे की वजह रोइंग खेल के नियम है। हेनरी फील्डमैन रोइंग में कॉक्सवेन की भूमिका में खेलते हैं। बता दें कि रोइंग में जो एथलीट पूरी टीम को लीड करता है उसे कॉक्सवेन कहते हैं। इस खेल की दोनों ही कैटेगरी में 8 खिलाड़ियों वाले रोइंग क्रू में जो कॉक्सवेन होता है वो पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, यानी महिलाओं के टीम में पुरुष और पुरुषों के टीम में महिला कॉक्सवेन हो सकता है। इस नियम के चलते ही हेनरी फील्डमैन ने दोनों कैटेगरी में मेडल जीतने का कारनामा किया है।